हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कल यानी 7 जनवरी 2023 को बिलासपुर से नागपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में कुछ लोग पथराव कर देते हैं। नागपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हुए 27 दिन ही हुए हैं, लेकिन इस विश्व स्तरीय ट्रेन की हालत खराब होने लगी है। कुछ शरारती तत्वों ने पथराव करके 3 कोच के खिड़कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये घटना कल यानी 7 जनवरी 2023 की है। पथराव के वजह से 3 कोच C1, C11 और C13 के ग्लास डैमेज हो गए हैं। बाहर से खराब दिखने के बावजूद रेल अफसरों के आदेश पर खिड़कियों को बदलने के बजाय उसमें चमकीला पेपर लगा दिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस को रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ट्रेन को बिलासपुर पहुंचाने के लिए इसके विशेष स्टाफ कपूरथला से बिलासपुर पहुंचे थे, लेकिन इसके डैमेज्ड पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए स्पेयर पार्ट्स कोचिंग कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, ये सब चीजें सुनकर काफी बुरा लगता है कि जिस ट्रेन को 100 करोड़ रुपए की लागत से 18 माह में तैयार किया गया है, उसके साथ लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। हमको ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इतनी लग्जरी ट्रेन और इतनी वर्ल्ड क्लास ट्रेन पुणे, हैदराबाद जैसे शहरों के पास अभी तक नहीं है। ऐसी ट्रेन बिलासपुर नागपुर को दी गई है, पर हमारे एरिया के लोग इस पर पथराव कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अभी के लिए इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रेल व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी को भी बजा दें। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं मिस्टर HVCG। वहां मैं अपनी जर्नी अपडेट्स देते रहता हूँ।